तो कहानी की शुरुआत सर्बिया के एक बर्फीले जगह से होती है, जहां पर लाखों जर्मन लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। वहां पर ज्यादा सिक्योरिटी ना होने के बाद भी कोई भी कैदी वहां से भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वहां के भीषण ठंड से बच के निकलना इम्पॉसिबल था। लेकिन उसी बीच हम क्लेमेंस फॉरल नाम के एक बंदे को देखते हैं, जो किसी भी कीमत पे यहां से भाग के अपने बीवी बच्चों के पास जाना चाहता था। इन सभी लोगों से लेड नाम के एक खदान में काम करवाया जाता था, जहां पे क्लेमेंस अपने एक साथी को खो देता है। यहां पे बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए क्लेमेंस किसी तरह हिम्मत जुटा के एक रात भाग निकला। वो गाड़ी में बैठ के वहां से आगे जा ही रहा था, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी रुक गई। क्लेमेंस जब वहां से बाहर निकला तो उसे पता चला कि एक सिपाही द्वारा वो पकड़ा जा चुका है, जिसके बाद उसे जमीन में बंद कर दिया गया और तेज बारिश में छोड़ दिया गया। अगली सुबह जेल का जेलर उसे अपने साथियों के पास छोड़ देता है, जहां पे उसके साथी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और वो सभी लोग मिलके क्लेमेंस को बहुत ज्यादा मारते हैं, क्योंकि क्लेमेंस की गलती की वजह से उन सभी लोगों को 2 दिन का खाना नहीं मिला। इन सब के बाद क्लेमेंस को डॉक्टर के पास भेज दिया गया और वो डॉक्टर भी वहां का एक कैदी था। क्लेमेंस की बहादुरी को देखने के बाद डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो गया, लेकिन वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। क्लेमेंस ने डॉक्टर को अपने दिल की बात बताई और बोला कि मैं यहां से भागना चाहता हूं। तब डॉक्टर ने उसे जवाब देते हुए कहा कि यहाँ के आर्कटिक सर्कल से बच के जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन है, और जिन्होंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। और डॉक्टर एक बात और बोलता है कि वैसे भी हम एक ना एक दिन मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे कैदी लेड नाम के खदान में काम करते थे और लेड धीरे धीरे हवा के द्वारा उन सभी लोगों को बीमार कर रहा है। इसलिए डॉक्टर कहता है कि जब हमें एक दिन मर ही जाना है तो तुम्हें भाग के अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। जिसके बाद डॉक्टर ने क्लेमेंस को जरूरत का सामान दिया और बताया कि रेलवे ट्रैक के साइड साइड खाना छुपा हुआ है। सेफ्टी के लिए डॉक्टर ने क्लेमेंस को एक गन भी पकड़ाई और बताया कि तुमसे पहले मैं यहां से भागने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है और मेरे पास 2 महीने से भी कम का समय बचा है, तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। जिसके बाद क्लेमेंस वहां से भाग जाता है और अगले दिन पता चलते कि साथी जेलर सीधा डॉक्टर के पास पूछताछ करने के लिए आता है, लेकिन जेलर के वहां आने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान दे दी थी। जेलर क्लेमेंस को ढूंढने के लिए बहुत सारे फौजियों को भेजता है, पर किसी को कोई सबूत नहीं मिलता। अब सबको लगने लगता है कि क्लेमेंस मारा जा चुका है, लेकिन जेलर को अभी भी विश्वास था कि वो अभी जिंदा है, इसलिए वो खोज को जारी रखवाता है। इधर क्लेमेंस को चलते हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके थे और उसका सारा खाना भी खत्म हो चुका था। चारों तरफ बर्फ की चादर देखने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह हिम्मत करके वहां से आगे बढ़ता रहा। लेकिन कुछ दूर और आगे जाने के बाद भूख की वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो गया। तभी अचानक उसे अपने सामने एक सील नजर आई, जिसपे वो पिस्तौल से फायर करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से हर बार उसका निशाना चूक जा रहा था। लेकिन एक आखिरी बार क्लेमेंस ने सील को मारने की कोशिश की और वो सील को मारने में कामयाब हो गया। खाना खाने के बाद वो वहां से आगे बढ़ने लगा और बीच बीच में अपना कंपास चेक करने लगा, ताकि इस बर्फीले जगह पे वो रास्ता भटक न जाए। अब एक दिन वहां से आगे बढ़ते हुए उसे सामने एक पेड़ नजर आया, जिसे देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिसका मतलब साफ साफ ये था कि आखिरकार 2 महीने चलने के बाद वो आर्कटिक सर्कल से बाहर निकल चुका था। इधर जेलर ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो अपने फौजियों को 500 किलोमीटर दूर तक छानबीन करने का आदेश दे देता है। इतना सफर तय करने के बाद क्लेमेंस काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए वो एक जगह पे लकड़ियां जला के आराम करने लगा। अचानक से वहां पे सैम जॉन और मैटर्न नाम के 2 आदमी पहुंचे, जिसे देखने के बाद क्लेमेंस काफी ज्यादा डर गया। तब वो दोनों क्लेमेंस को बताते हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि हम तो यहां पे सोने की खोज में आए हैं। लेकिन क्लेमेंस ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा और वो खुद भी आगे बढ़ने लगा। अचानक वहां पे तेज हवाएं चलने लगी और चारों तरफ से बर्फीला तूफान शुरू हो गया। जैसे तैसे करके क्लेमेंस ने खुद की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया और क्लेमेंस वहीं पे बेहोश हो गया। तब सैमजोन और मैटर्न ने मिलके उसकी जान बचाई और उसके बाद वो तीनों मिलके वहां से आगे बढ़ने लगे। अब नदी के पास आके उन तीनों ने लकड़ियों की एक छोटी सी नाव बनाई और तीनों एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हुए वहां से आगे बढ़ने लगे। अचानक से पानी की लहरें तेज हो गई और सैमजोन पानी में गिर गया। वो पानी में डूबने ही वाला था, लेकिन तभी क्लेमेंस ने पानी में छलांग लगा दी और किसी तरह उसने सैमजोन की जान बचा के उसे किनारे पे ले आया। लेकिन इन सब के बीच मैटर्न ने अपनी नाव नहीं रोकी और वो वहां से आगे बढ़ते हुए अपनी झोपड़ी के पास पहुंच गया। मैटर्न को अब लग रहा था कि अब तक सैमजोन पानी में डूब के मारा जा चुका होगा, इसलिए उसने सैमजोन के बैग से सारे कीमती सामान को चुरा लिया। जल्द ही सैमजोन भी झोपड़ी के पास पहुंच गया और वहां पहुंच के वो अपना सामान चेक करने लगा।
मैटन की धोखे वाली बात सैमसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने पिस्तौल से उसे गोली मार के जान से मार दिया। और अब क्लेमेंस और सैमसन एक साथ वहाँ से आगे बढ़ने लगे। ठंड बढ़ने की वजह से सैमसन काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए क्लेमेंस ने उससे उसका बैग मांगा ताकि आगे बढ़ने में वो उसकी मदद कर सके। लेकिन सैमसन को लगा कि क्लेमेंस उसके सोने को चुराना चाहता है, जिस वजह से उसने क्लेमेंस को वहाँ से नीचे गिरा दिया। जब क्लेमेंस की आँख खुली तो उसे पता चला कि उसके तरफ बहुत सारे भेड़िए आ रहे हैं। क्लेमेंस पेड़ पे चढ़ के अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पेड़ ही टूट के नीचे गिर गया। यहाँ क्लेमेंस को लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है और उसकी जान जाने वाली है, लेकिन अचानक से वहाँ पे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और सारे भेड़िए मारे गए। दरअसल वहाँ के लोकल लोगों ने क्लेमेंस की जान बचाई और उसे अपने साथ ले गए, जहाँ गाँव के लोगों ने उसका इलाज किया और वो जल्दी ठीक होके गाँव के लोगों के साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया। एक दिन इन गाँव वालों के बीच में अनाउंसमेंट हुआ कि जो लोग भी क्लेमेंस को पनाह देंगे उसे जान से मार दिया जाएगा। क्लेमेंस इनके लिए खतरा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से जाने का प्लान बनाता है। जाने से पहले गांव के लोगों ने क्लेमेंस को बहुत सारा खाना और साथ में एक कुत्ता दिया। अब क्लेमेंस अपने डॉग के साथ कई महीनों तक आगे बढ़ता रहा और उसका डॉग उसके लिए एक बहुत अच्छा साथी बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक क्लेमेंस का डॉग एक लकड़ी मिल के पास पहुँच गया और जब क्लेमेंस उसे वापस लाने गया तो वहाँ के कुछ वर्कर्स ने क्लेमेंस को पकड़ लिया। पर जब मिल के मालिक ने क्लेमेंस को देखा तो उसने उसे पहचान लिया और उसे खाना भी खिलाया। मिल के मालिक ने क्लेमेंस की काफी ज्यादा मदद की और उसे लकड़ी से भरे जर्मनी की ट्रांसपोर्ट ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमेंस के वहाँ से जाने के बाद मिल के मालिक ने जेलर को ये सारी जानकारी दे दी और सारे फौजी स्टेशन पे पहले ही पहुँच के क्लेमेंस के आने का इंतजार करने लगे। ट्रेन स्टेशन पे पहुँचने से पहले ही क्लेमेंस ने सारे फौजियों को देख लिया और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से जेलर बिल्कुल उसके सामने आ गया। तब अचानक से क्लेमेंस के डॉग ने जेलर पर हमला कर दिया और ना चाहते हुए भी क्लेमेंस को वहाँ से भागना पड़ा। तब जेलर ने क्लेमेंस के डॉग को गोली मार दी और क्लेमेंस भागते हुए ब्रिज पे चढ़ के चलती हुई ट्रेन के ऊपर कूद गया। इन महीनों भर के सफर में क्लेमेंस का एक ही साथी था, जिसके मरने के बाद क्लेमेंस अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट गया। अब उसे आगे बढ़ते हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था और 1952 का दौर आ गया। क्लेमेंस की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी और वो एक मेले के अंदर घूम रहा था। उसे काफी ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसे देखने के बाद दो लड़कियों को उस पे तरस आ गया और उन्होंने एक बच्चे के हाथों पैनकेक का एक छोटा सा टुकड़ा क्लेमेंस के पास भिजवाया और ये सब कुछ वहाँ पे खड़ा एक आदमी भी नोटिस कर रहा था। अब क्लेमेंस एक चर्च में जाके प्रे करने लगा, लेकिन अचानक से वो अनजान आदमी उसके पास पहुंच गया। दरअसल ये आदमी भी एक समय पे कैदी रह चुका था और वो क्लेमेंस की हालत को बखूबी समझ रहा था। वो क्लेमेंस को अपने साथ अपने घर ले गया, जहाँ पे क्लेमेंस पहले की तरह नॉर्मल हो गया। इतना ही नहीं बल्कि उस आदमी ने क्लेमेंस का एक पासपोर्ट भी बनवा दिया था, जिस वजह से क्लेमेंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब क्लेमेंस बॉर्डर पे पहुंच गया था और थोड़ी सी पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से उसकी खुशी गम में बदल गई, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने वो जेलर आके खड़ा हो गया था। अब क्लेमेंस की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसकी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। लेकिन अचानक से वो जेलर उसके रास्ते से साइड हो गया और बोला कि मैं जीत गया, जिसके बाद आखिरकार क्लेमेंस वहां से निकल के अपने देश पहुंच गया। क्लेमेंस अपने घर के पास पहुंचा, जहां वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी चर्च के लिए निकल रहे हैं। तब क्लेमेंस भी उन दोनों के पीछे गया और चर्च में क्लेमेंस की बेटी ने उसे पहचान लिया और दोनों माँ बेटी क्लेमेंस के गले लग के रोने लगे और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।